हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम विद माय अनदर स्टडी व्लॉग। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। जब मेरी नींद खुली 5 बजे, तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ। पर एक्चुअली मैं गलती से उठ गई थी, मेरी नींद खुल गई थी। पर मैंने सोचा नींद खुल गई है तो उठ के पढ़ ही लेते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी जब मैं अपने स्टडी टेबल पर गई, तो फिर मैंने सोचा चुपचाप अपने रूम में जाओ। ब्लैंकेट में बढ़िया से बैठ के मैं पढ़ रही थी आराम। आज मुझे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन करना था। सो बस शुरू दिन की शुरुआत मैंने उसी चैप्टर को रिवाइज करने से की है। बहुत दिन से मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं था ना, तो मेरे को उसकी बहुत सी चीज़ें मैं भूल गई थी, तो मुझे इसको पढ़ने में भी बहुत टाइम लग रहा था। बट ठीक है, बट फाइनली मैंने आज इसको कम्प्लीट किया है। एंड ऑल्सो सॉरी कि मैं कल कोई वीडियो नहीं डाल पाई। एक्चुअली उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। कल मेरी भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी किसी टॉपिक पे, तो गुस्से में कल रात में मैंने सारे रिकॉर्डेड क्लिप्स डिलीट कर दिए जो भी मैंने दिन भर रिकॉर्ड किए थे। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं अपलोड करने के लिए, तो मैं किस पे वॉइस ओवर देती और क्या अपलोड करती, इसलिए कल मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगली बार से मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगी और अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखूँगी। कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो फिर हो जाता है, कोई बात नहीं। पता है सुबह ना पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी आधे घंटे में ही। पर यार फिर मैं क्या ही खाती सुबह सुबह, बस गई चाय बनाई और वापस आ गई। इसी चैप्टर को रिवाइज करते करते ऑलमोस्ट 7:30 बजने वाला था और 7:30 को मैं अचानक से सो गई। मुझे नहीं पता मुझे नींद कैसे आई और मुझे ये भी नहीं पता मैं उठी कब। मतलब जब मैं उठी ना, तो मुझे लगा कि अरे यार मैंने शायद अभी बस एक झपकी मारी है, मैंने सिर्फ एक नैप लिया है हल्का सा। पर असल में 1.5 घंटा हो चुका था और मैं जानबूझ के नहीं सोई थी, नींद आ गई थी पढ़ते पढ़ते। सो के उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना सेल डिवीजन वाला चैप्टर पूरा रिवाइज किया। उसके बाद पूजा वगैरह करके, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया मैंने। उसके बाद मैं आई, मैंने बायोलॉजी के दोनों लेक्चर देखे, कंप्लीट किए, नोट्स बनाए और फिर उसके बाद उन नोट्स का रिविजन किया। और मेरा सिर्फ इतना सा ही वर्क कम्प्लीट हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला कि कब दोपहर हो गई है। तो इस वक्त 1:00 होने वाला है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मैं ना सो गई थी गलती से सोई थी, जानबूझ के नहीं सोई थी। और अभी मैंने सिर्फ इतनी पढ़ाई की है, बायोलॉजी के लेक्चर कंप्लीट कर लिए मैंने और सेल डिवीजन का रिविजन भी कम्प्लीट हो गया है। अब मैं जल्दी से आज का जो सर ने लेक्चर कराया है दोनों लेक्चर का रिविजन करती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या पढ़ना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मेरे को एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना ही है, तो मैंने रिवीजन में एज अ रिवीजन सेल डिवीजन तो कंप्लीट कर लिया। मेरा ये भी था कि आज मैं बायोटेक्नोलॉजी का एक पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला। देखो क्या है ना यार, मैं बिना पढ़े अगर टेस्ट दूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगा। पर अगर मैं भले 2 चैप्टर 3 चैप्टर, अगर भले तीनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर पढ़ के भी अगर पेपर दे रही हूँ, तो मेरा कुछ तो प्रिपेयर हो रहा है टेस्ट के कारण। सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट 2 चैप्टर या 1 चैप्टर हर सब्जेक्ट में देती जाऊँगी और अगले नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट करके, उसको रिवाइज करके फिर टेस्ट दूंगी। अब मैंने सोचा तो ये है, अब मैं देखती हूँ इसको कितने दिन फॉलो कर पाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको आखिरी तक के फॉलो करूँ क्योंकि शायद इससे मेरे मार्क्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। और पता है आज हमारे कॉलोनी में ना भागवत स्टार्ट हुई है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया सा हो गया है। वो जो वहाँ पे ब्लू ब्लू सा टेंट वाला रीजन है ना, वहाँ पे हो रही है भागवत और उस वक्त वहाँ पे हनुमान चालीसा चल रही थी, तो बहुत बढ़िया लग रहा था सुनने में। बस सुनते सुनते फिर मैंने अपना दोपहर का लंच किया। एक्चुअली शाम हो गई है पर मैं लंच करना भूल गई थी दोपहर का, तो फिर मैंने शाम को लंच किया। उसके बाद मैं कोचिंग चली गई थोड़े टाइम बाद। कोचिंग से आने के बाद फिर मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू किया क्योंकि आज के आज मुझे केमिकल बॉन्डिंग कम्प्लीट करनी थी। एंड लकीली आज मैंने केमिकल बॉन्डिंग का पूरा लेक्चर कम्प्लीट कर लिया। मैं बहुत दिन से उसको पेंडिंग छोड़ रही थी, 1 घंटा पढ़ती थी, 40 मिनट पढ़ती थी और रह जाता था। पर आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कम्प्लीट करूँगी एंड आई डिड इट। पर यार इसको करने में ना बहुत टाइम लगा और अभी मैंने रिवीजन नहीं किया पर मैंने लेक्चर देख के कम्प्लीट कर लिया है। बस उसको रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने PYQ के, फिर ये चैप्टर मेरा कम्प्लीट हो जाएगा।
आज जब मैं ना सुबह 5 बजे उठ गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं 12+ आवर तो पक्का कर लूँगी, पर अफसोस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर आज मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर स्टिल ये जो थकान है ना, ये बहुत ही अच्छी सी लग रही है मुझे, क्योंकि ऐसा लगा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया, वरना इतने दिन से तो बकवास ही कर रही थी मैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट किया मैंने, फिर मैंने सोचा बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट कर देती हूँ। रिविजन ऑल तो कंप्लीट नहीं हो पाया, बस मैंने शुरू ही किया और वो शुरू होते ही ख़त्म सा हो गया, पर मैं उसको कल कंप्लीट कर लूँगी, पक्का 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 करूँगी। और बस आज मैं लगभग 11 आवर ही पढ़ पाई, इसमें बस थोड़ा सा टाइम और ऐड हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और पता है इस टाइम ना बहुत ज़्यादा रात हो गई, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती वॉइस ओवर देने के लिए, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो सी लगेगी, तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना। वैसे मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, अगर मुझे अगर ज़्यादा नींद नहीं आएगी तो मैं थोड़ी देर पढ़ लूँगी बायोटेक्नोलॉजी का, और नहीं नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगी। तो बस फिर आज का मेरा दिन ऐसे ही कुछ ख़त्म हो गया, अच्छा गया आज का दिन। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम एंड कीप स्टडिंग।